आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने ड्रग केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आर्यन खान के समेत अन्य दो आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। ड्रग केस में फंसे आर्यन खान की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि बुधवार को आर्यन को बेल मिल जाएगी, पर उनकी उम्मीदों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया। आर्यन खान के वकील ने कहा कि अब वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुंबई स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब वह आर्यन खान की बेल के लिए हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी देंगे। बता दें कि आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान शामिल होने वाले थे। इससे पहले क्रूज शिप पर एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले थे।